डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जो है स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3। इसमें हमें जो है सम वाला जो फॉर्मूला रहेगा हमारा एपी सीरीज का, सम कैसे फाइंड आउट किया जाए उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो रहेंगे। ए एन जो लास्ट टर्म होती है उस फॉर्मूले का हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं 5.2 में, उसका भी यूज रहेगा साथ ही साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, इनका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो सम के लिए पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं क्या है। सम के लिए है एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये डियर स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला रहेगा जिसमें एन है जितने टर्म्स का हमें सम निकालना है। ए है फर्स्ट टर्म, डी है कॉमन डिफरेंस। अगर बाय चांस हमें एन भी पता है, ए भी पता है और लास्ट टर्म दैट इज ए एन भी पता है तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूले रहेंगे हमारे पास। एक जो है एक्स्ट्रा मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, अगर आपको एन नहीं दिया गया है फिर भी आपको जो है लास्ट टर्म पता है तो आपको सम निकालना है तो उसके लिए भी सेकंड क्वेश्चन में फॉर्मूला बताऊंगा। फर्स्ट में है देखो ए टू डी हमारे पास रहेगा यहां पर सेवन माइनस टू दैट इज फाइव और एन की वैल्यू हमें दे रखी है यहां पर टेन। अब इन वैल्यूज का हमें यूज करना है और सम को फाइंड आउट कर देना है। तो n की वैल्यू 10 है दैट इज s 10 हम निकालेंगे। s 10 10 बाई 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a व्हाट इज a 2 प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 इंटू d d इज 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 5 जा 10 5 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 हो जाएगा 9, 9 5 जा 45। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 49, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 प्लस 4 24। तो 245 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में देखते हैं, यहां पे a रहेगा हमारे पास माइनस 37, d हो जाएगा माइनस 33 माइनस, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करना है और ये ऑलरेडी माइनस का है तो इसीलिए डबल माइनस रहेगा यहाँ पे। माइनस 33 प्लस 37 तो ये हो गया प्लस 4, तो डी की वैल्यू भी है और एन की वैल्यू है हमारे पास 12, एन इज 12 तो इसका हम यूज करते हैं यहाँ पे एस 12 इज इक्वल टू 12 बाय 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय ए इज माइनस 37 प्लस एन माइनस 1 दैट इज 12 माइनस 1 11 मल्टीप्लाई बाय डी 4, इसको कैंसिल कर देते हैं 6, तो 6 इंटू इसको देखो माइनस का बनेगा। डियर स्टूडेंट्स ये माइनस का क्यों बनेगा, क्योंकि माइनस वाला है नंबर और एक प्लस वाला है तो ये बन जाएगा 74 माइनस में और प्लस 44। तो यहां पे अगर आप देखें तो 6 मल्टीप्लाई यहां माइनस का हमारे पास बचेगा 30 और ये हो जाएगा 180 माइनस 180। क्लियर है, यहां पर हमें ए की वैल्यू गिवन है 0.6, डी हो जाएगा हमारा 1.7 माइनस 0.6 दैट इज 1.1 और एन हमें यूज करना है डियर स्टूडेंट्स 100। तो एस 100 हमें निकालना है मतलब सम ऑफ 100 टर्म। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 100 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई ए 0.6 प्लस एन माइनस 1 लेना होता है डियर स्टूडेंट्स। तो एन कितना है 100, 100 माइनस 1 करेंगे 99 मल्टीप्लाई बाय डी, डी इज 1.1 तो यहां से कैंसिल करेंगे तो 50 आ जाएगा हमारे पास। तो ये बन जाएगा 50 इंटू 2 मल्टीप्लाई 0.6 करेंगे 1.2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा डियर स्टूडेंट्स 1089 आएगा। वैसे तो एक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा देते हैं। तो ये बन जाएगा 50 मल्टीप्लाई इनको अगर प्लस करते हैं तो ये बनेगा 1100.1, पॉइंट अगर हम हटा दें नीचे आ जाएगा 10, 0 से 0 हो जाएगी हमारी कैंसिल है ना, 0 0 कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5505 ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें हम देखते हैं a की वैल्यू है 1/15, d की वैल्यू क्या बनेगी 1/12 माइनस 1/15 है ना, तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 60, 12 5 जा 60 तो 5, 15 4 जा 60 तो 4, तो 1/60 d की वैल्यू और ये हमें यूज करना है n की जगह पे। तो सॉल्व करते हैं एस 11 के लिए, 11 बाय 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई ए 1/15 प्लस एन माइनस 1 दैट इज 11 माइनस 1 10 मल्टीप्लाई 1/60
60, ये हो जाएगी 0 0 कैंसिल, तो यहां पे बनेगा 11/2 इंटू, यहां पे देखें स्टूडेंट्स 2 1 2/15, तो ये बन जाएगा 2/15 प्लस यहां पे 1/6, तो आप देखें 11/2, यहां पे हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा इसको, 15 2 30 2 2 4 प्लस 6 5 35 5, तो ये बन जाएगा 11/2 × 9/30, ये 3 पे हो जाएगा कैंसिल, 3 10 3 3 3 3 तो 11 3 33/20, ये हमारा फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें जो सम निकालना है उसके लिए ए भी पता है हमें, हम यहाँ से डी भी पता कर लेंगे, लेकिन ये नहीं बताया गया कितने टर्म्स का हमें निकालना है ना, एन की वैल्यू नहीं है हमारे पास, ए एन की वैल्यू है ये, मतलब लास्ट टर्म हमें पता है, तो लास्ट टर्म के लिए वैसे तो मैंने ये फॉर्मूला बताया था आपको, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू इंटू ए प्लस लास्ट टर्म दैट इज ए एन, ठीक है, लेकिन इसमें हमें एन पता होना चाहिए था, एन तो पता नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको एक और फॉर्मूला जो है वो बताऊंगा, वो क्या है, एस एन इज इक्वल टू ए एन माइनस ए प्लस डी, ये फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड में ए प्लस ए एन और डिवाइड बाय 2a, ठीक है, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तो डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा, अदरवाइज ये मेथड भी होता है कि पहले ए एन का फॉर्मूला लगाएं हम, वहां से एन की वैल्यू निकालें फिर एस एन का फॉर्मूला लगाएं, अगर आप ये डायरेक्ट लगाते हो, ये मैंने खुद ड्राइव किया था फॉर्मूला अभी मैं बैठा हुआ था, तो इस फॉर्मूले से भी हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ए एन माइनस ए प्लस डी और सेकेंड ब्रैकेट में ए प्लस ए एन और डिवाइड बाय 2d है, सॉरी यानी 2d, ठीक है, तो इससे बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, हमारा एन की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, तो इसको यूज करके देखते हैं यहाँ पे, तो ए की वैल्यू आप देखें डियर स्टूडेंट 7 है ना, और डी की वैल्यू क्या बनेगी, 10 2 20 1 21/2 -7, तो 7/1 लगा के अगर एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 2 21 - 14 = 7/2, तो डी की वैल्यू हमारे पास है 2 और लास्ट टर्म हमारे पास है 84, तो इस फॉर्मूले में यूज करते हैं वैल्यू, तो इस पूरी एपी सीरीज का सम क्या आएगा, सम इज इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट में देखो क्या है, यहां लिखा मैंने ए एन लास्ट टर्म 84 माइनस ए, ए कितना है 7 प्लस डी, डी कितना है 7/2, ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद है ए प्लस ए एन, ए है 7 ए एन है 84 और डिवाइड बाय हमें क्या करना है 2 × d, तो 2 × d की वैल्यू है 7/2, यहां 2 से 2 हम कैंसिल कर देंगे, ऊपर सॉल्व करते हैं 84 - 7 = 77 + 7/2 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 91 और डिवाइड बाय 7, ठीक है, वैसे यहां 7 पे ये डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, अगर आप देख रहे हो तो 7 की टेबल में 13 पे आता है ये, इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते 7 की टेबल, ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स ये अभी इसके साथ प्लस में है, तो इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते, कभी आप 7 के साथ 11 पे कर दो, ये अकेला है मल्टीप्लाई में, तो इसको हम कर सकते थे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे 77 + 7/2 ये है और मल्टीप्लाई में बाहर बच गया हमारे पास 13, इसको सॉल्व करते हैं डिवाइड बाय 1 लगा के, अगर आप एलसीएम लेंगे तो 2 यहां से आ जाएगा 154 + 7 और बाहर है 13 मल्टीप्लाई में, ठीक है, इसको प्लस करेंगे तो 161/2 × 13, 13 किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 13 × 13 = 920 / 2, ठीक है, ये आंसर है, लेकिन अगर क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन वाली फॉर्म थी हमारी, तो अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 10461/2, तो देखिए हमने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया बिना एन की वैल्यू फाइंड आउट करे, तो ये फॉर्मूला भी आपने लर्न करना है, एस एन कब फॉर्मूला लगेगा, जब हमें एन की वैल्यू नहीं पता है बट लास्ट टर्म पता है, तो उस केस में हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे द्वारा बनाया गया एक फॉर्मूला है एस एन का, ठीक है, और आपको कहीं पे पढ़ने फॉर्मूला हम सेम यही यूज करेंगे, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो यहाँ पे ए है हमारे पास 34, डी अगर हम देखें तो 32 - 34 दैट इज -2 और ए एन जो है वो है हमारे पास 10, तो इस फॉर्मूले को हम अपने को यूज करते हैं, तो सम इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में देखो क्या है, ए एन 10 माइनस ए 34 प्लस डी है, लेकिन डी माइनस का है तो आपने -2 ही इसको लिख देना है, नेक्स्ट है ए प्लस ए एन 10 डिवाइड बाय 2 × d, व्हाट इज डी -2, ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं, देखो 10 प्लस का है कुछ नहीं है इसके आगे,
प्लस 10 माइनस 34, 24 माइनस 2 माइनस 26 हो जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा 44 डिवाइड बाय माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 की टेबल पे 11 पे, 11 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 286 हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले से हमने बिना एन के इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए आप देखें सम के लिए पहले ए लिखेंगे हम माइनस 5, फिर आप लिखोगे डी माइनस 8 माइनस माइनस 5, दैट इज माइनस 8 प्लस 5 ये हो जाएगा 3, माइनस 3, और इसके बाद ए एन जो है वो है हमारा माइनस 230। क्लियर है? अब इसका यूज करके हम जो है सॉल्व करते हैं अपने फॉर्मूले से, सम इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको, ए एन माइनस ए, ए एन है माइनस 230, माइनस है फॉर्मूले वाला और ए भी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस 5, और प्लस डी है जबकि डी माइनस में है तो ये हो जाएगा माइनस 3। सेकेंड ब्रैकेट में केयरफुली साइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स, अदरवाइज छोटी सी मिस्टेक भी पूरा सम गलत करवा सकती है। ए प्लस ए एन करना है, ए है माइनस 5 और माइनस में ही है ए एन 230, डिवाइड बाय हमें करना है 2 मल्टीप्लाई बाय डी, 2 मल्टीप्लाई बाय डी इज माइनस 3। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 230 है, या फिर ऐसे कर लो प्लस 5 माइनस 3 प्लस 2, और इसमें से 2 हटा देंगे हम, माइनस 228 बच जाएगा। ठीक है? या क्लियर है? हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर जैसे इसमें से इसको छोड़ेंगे तो माइनस 225 प्लस 3 कर देंगे माइनस 228, और सेकंड वाला जो है वो भी हमारा माइनस में 235 डिवाइड बाय 2 रहेगा और मल्टीप्लाई में माइनस 3 रहेगा, माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देंगे, 5 3 8 टू 10 ये तो कैंसिल नहीं होगा, 8 टू 10 टू 12 ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा और 2 पे भी हो जाएगा हमारा, 2 पे करते हैं 2 वन जा 2 वन जा 2 फोर जा है ना, 3 पे करते हैं 3 3 जा 9 24 3 8 जा 24। ठीक है? तो यहां बचेगा माइनस 38 मल्टीप्लाई बाय 235, तो ये बन जाएगा आपका माइनस में, अगर हम देखें 8 5 जा 40 398, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट में हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन के 10 पार्ट के लिए नेक्स्ट पार्ट अवेलेबल है, और भी जितने भी सम हमारे पास हैं सारे की जो सम्स हैं उनकी वीडियोस हमारे चैनल पर आपको अवेलेबल मिलेंगी, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।